मेरे साथ हैं मोहम्मद उस्मान उस्मान क्या कर रहे हो यार पहले तो ब... मैं यहाँ पे हाउस बिल रूम करने के लिए आया हूँ और मुझे यहाँ पे 6 तो 7 हो और मैं में रहता हूँ अच्छा हमारे साथ एक और साहब भी है वाली चले जी अभी हम बहुत चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और उसके लिए हमें जाके आराम से पहले जगह ढूंढनी है तो लेट अस फाइंड प्लेस फिर हम स्टार्ट करते हैं पहले तो ये बता दो कि क्या कर रहे हो यहाँ पे ना होगा आपकी किस चीज में अभी ये मेरी हाउस बिल्डिंग इनशाला नवंबर से स्टार्ट होगी और वो नर्सिंग की हाउस बिल्ड रहा है और आप मेरी मैं अभी कर रहा हूँ हॉस्पिटल बस बस हॉस्पिटल स्टार्ट है मैं भी नर्सिंग लेकर रहा हूँ अगर आपके पास पेन पे पेंसिल नहीं है तो लेके बैठे क्योंकि बहुत सी चीजें हम जाने वाले हैं स्टेप ए से जेड तक कि शुरू हमने बेसिकली कहा से किया इन सब ने ने जो भी और आपने भी और अब यहाँ पर क्योंकि पहुंच चुके हैं हॉस्पिलडो कर रहे हैं माशा काफी अच्छे कर रहे हैं वो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये अप्लाई बेसिकली कर कौन सकता है बहुत कंफ्यूजन है लोग मुझसे भी पूछ रहे होते हैं हमने मेट्रिक किया है मुनी भाई हम अप्लाई कर सकते हैं हमने एफ किया है कुछ लोग बैचलर्स की बात करना चाह रहे हो है किसके लिए हॉस्पिल पहले तो बता दें है क्या और फिर है क्या उसके बाद बता दें कर सकता ओके okay, तो है वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, इसमें आप साथ साथ काम भी करते हैं और स्टडी भी करते हैं और आपकी अर्निंग भी हो रही होती है इट्स नॉट जस्ट लाइक बैचलर्स के आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है यूनिवर्सिटी में और जो है अपना अर्न भी करना है बाकी भी चलाने हैं तो ये एक अच्छा काफी अच्छा प्रोग्राम है इसमें मैट्रिक वाले भी कर सकते हैं जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है और इंटर वाले भी कर सकते हैं मतलब यंग लड़के जितने भी हैं बीस से पच्चीस साल के दरमियान तीस साल तक वो कर सकते हैं आगे भी कर सकते हैं लेकिन जो है इनकी प्रेफरेंस कम हो जाए तो एज जितने यंग हो उतना ज्यादा अच्छा रहते हैं लेकिन ऐसे कोई एज लिमिट है नहीं बहुत से लोग होते हैं थर्टी के बाद भी कर है रहे होते हैं फोर्टीज के बाद भी कर है रहे है तो सर बट अगेन जितना आप यंग एज में निकल सकते हैं आपके लिए आसानी भी आसानी होगी और कंपनीज भी नॉर्मली प्रेफर कर रही होती है अच्छा आपने बात की थी हाउस बिल्डिंग के हवाले से कि पढ़ भी सकते हैं साथ में काम भी कर सकते हैं मैंने सुना है डिफरेंट टाइप्स की भी हाउस में कुछ होती है, वाली होती है वो उसका क्या अगर हम पाकिस्तानी अपने आप को देखते हुए बात करें ना तो डुअल स्टूडियम वो एक अलग चीज़ है लेकिन जो हमें जो नॉर्मली मिलती है हम पाकिस्तानी को वो ज्यादातर नर्सिंग और रोडलिंग में बीतती है और इसमें यह होता है कि आप जैसे नर्सिंग में होता है आप एक या दो मंथ शुरू के जो है सिर्फ स्कूल जाते हैं और स्कूल जाने के ही आपको पैसे मिलते हैं जो आपकी मंथली जो सैलरी होती है वो सिर्फ आपके स्कूल जाने से ही आती है इसके अलावा फिर अगले दो मंथ जो है एक मंथ वो आपके शेड्यूल में डिपेंड करता है फिर प्रॉपर काम करते हो और उस काम को जो है आगे सीखते हैं और भी फीस में मिल सकती है बहुत से लोग मैं देख आई टी में भी यहाँ पे आते हैं हॉस्पिटलों के लिए क्योंकि हॉस्पिटलों की बहुत सी फीड्स है मेका का होगी आपकी आप मशीन भाव की होगी कंस्ट्रक्शन वगैरह की हो तो हर टाइप की फील्ड में हम अप्लाई कर सकते हैं या बहुत रिस्ट्रिक्टेड है जब पर इसकी बात करें नहीं ऑलमोस्ट जो भी आप फील्ड चाहते हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा आता है कि बोतलिंग में और नर्सिंग में जो है अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा तो वो उसमें आपको जल्दी पिक कर सकते हैं लेकिन इसका मतलब दूसरी में नहीं करें अगर इंटरेस्ट और जगह पे है तो आप जर्मन लैंग्वेज अच्छी करें अपनी स्किल्स थोड़ी वो करें, उस और आप कर सकते हैं ऐसा नहीं बहुत से लोग आई टी पे भी आते हैं है। अच्छा, आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आपने हॉस्पिटल का प्रोसेस स्टार्ट करना है फिर बंदा आपको पाकिस्तान से अगर बैठा देख सोचता है और लिए जाना है तो आइडियल टाइम अप्लाई करने का बेसिकली जनवरी से मार्च तक सप्तम्बर है

तो अक्सर नए साल जब आता है तो कंपनीज को बहुत नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं नई फंडिंग मिलती है तो बहुत सी नई पोजिशन ओपन होती है लेकिन जर्मनी हमें पता है किस तरह का कंट्री है जहाँ पर इंडस्ट्री काफी ज्यादा है और काफी बड़ी है तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इवन डेली बेसिस पे भी, भी आप चेक करेंगे तो बहुत हाउस बिल्डर पोजिशन ओपन हो तो आप अप्लाई थ्रू आउट द ईयर ही कह सकते आपने सितंबर इनटेक की बात की थी मैं आपसे कुछ होगा कि जिस तरह हम गए अपलाई तो हम तो भी कर सकते हैं तो इनटेक्स वाला क्या चक्ता है इंडेक्स ऐसी जो नॉर्मली स्टार्ट होती है ना एज अ स्कूल बेस वो अगस्त में होती है ठीक है और दूसरा ये होता है कि मार्च और अप्रैल में भी हो है डिपेंड करता है के के इलाकों जो स्कूल्स होते हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो कब स्टार्ट करवाते हैं जैसे कि अब मेरी जो ये वाली हाउस बिल्डिंग है ये नवंबर में स्टार्ट हो समाइम्स जो नॉर्मली होती है वो अगस्त में होती है मई मार्च में स्टार्ट रही। वैसे भी जब शो में आया था मैं तो भी बीम से स्कूल गया था थ्री मंथ चल रहा कर ओके okay, सितंबर में फिर मेरा होगा ठीक अगर आपको नहीं समझ आई तो इन में आपको समझा देता हूँ कि आप कभी भी हाउस बिल्डों के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं मोस्टली जो इन्होंने बात की थी कि हम लोग जो पाकिस्तान से आते हैं उनके कई ऐसे हाउस बिल्डर होते हैं जिनमें हमने थोड़ा बहुत पढ़ना भी होता है और साथ साथ हम काम भी कर ले होते हैं तो जो पढ़ाई वाला इनटेक है वो ज्यादातर मार्च या अप्रैल में स्टार्ट होगी या फिर वो सितंबर अक्टूबर नवंबर में भी स्टार्ट हो सकते हैं लेकिन अगर आप हाउस बिल्डों का सोच रहे हैं कब अप्लाई करें तो आज से भी आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए कुछ आपको रिक्वायरमेंट्स होवीएसलीफिल आउट करनी पड़ेंगी और वो रिक्वायरमेंट क्या है उनके हवाले से हम जरा डिटेल में जाएंगे तो आपने माशा अप्लाई किया था हॉस्पिटलों के लिए खुद से अप्लाई किया सारी चीजें उन्होंने खुद से की थी तो उसपे क्या रिक्वायरमेंट थी जो आपको लगा कि मुझे फुलफिल कर लेनी चाहिए इसमें सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो ऑब्वियसली जर्मन लैंग्वेज लेवल है वो बी वन और बी टू रिक्वायर्ड होता है लेकिन अगर मैं अपने केस के बारे में बात करूँ तो मेरा जब ए टू अकेडमिक लेवल के तौर पर जब एंड हो रहा था तब से मैंने डिफरेंट हाउस बिल्डिंग में अप्लाई करना शुरू कर दिया था तो इस दौरान मुझे अलहमद एक मंथ के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था ये था कि मैंने जो अप्लाई किया था वो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं तो लाइक यही है नॉर्मली के आपको लग रहा है कि आप अगले दो तीन मंथ्स में आप B1 कर लोगे तो जब आपका A2 हो गया है आप कोशिश करें कि आपकीिंग है ना जर्मन की वो उसको इंप्रूव करें तो आप A2 करने के बाद भी अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि अप्लाई करने में और कॉन्ट्रैक्ट मिलने तक आपको टाइम लगता है और उस वक्त तक तब आपका B1 और B2 भी हो सकता है तो इसमें थोड़ा सा वेट होता है आप अप्लाई करना होता है तो इसके लिए थोड़ा टाइम जरूर लगता है आ, क्योंकि हम भी हाउस के केसेस ले रहे हैं काफी और जो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो भी यही पूछते हैं कि वही भाई हम कब से स्टार्ट करें ना कुछ उनमें से ए वन लेवल पे हैं अभी कुछ डू लेवल पे हैं अभी कुछ ऑलरेडी बी वन कर चुके तो जो ऑलरेडी बी वन कर चुके होते हैं उन्हें तो आप फ़ौरन से ऑब्वियसली स्टार्ट करें क्योंकि आपका कुछ रहता नहीं है बल्कि जब बी वन हो चुका हो वह ऑलरेडी लेट हो अगर आपने नहीं किया तो परफेक्ट टाइमिंग मैं कहूंगा की आपको प्रोसेस अपना स्टार्ट करा लेना चाहिए जब आपका ए वन क्लियर हो जाए इसमें में भी आपको काफी टाइम मिलेगा तो, अगर आपका ए वन क्लियर हो गया तो आपको हॉस्पिटल का प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए इसका ये मतलब नहीं है कि दो महीने बाद हॉस्पिटल में इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस क्योंकि आपको जर्मन लैंग्वेज भी सीखनी है उसके भी चार से पांच महीने आपको फर्दर लगेंगे के बाद लेकिन मेन उन चार से पांच महीने में आपकी एप्लीकेशन तैयार होना स्टार्ट होंगी, आपकी अटेस्टेशन के काम होंगे आपकी और काफी चीजें होती हैं जो आप बीच बीच में इन पैरल कवर करते रहते हो तो अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं जब वन कर लूंगा तब मैं हॉस्पिल का प्रोसेस स्टार्ट करूंगा तो ये सोच थोड़ी गलत है और कॉल्स के नहीं नहीं B1 का नहीं का। तो आपको इसमें आपने कहा कि ए टू में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया करना चाहूंगा कि मैंने ए टू के बाद अप्लाई करना स्टार्ट किया था ना लेकिन तब मेरी जर्मन स्पीकिंग अच्छी थी लेकिन मैंने जो है अपनी ई में ये मैंशन किया था मेरा बी हो चुका है। इसमें करने का मकसद ये था कि उनको पता चल जाए कि अप्लाई का हम उनको लंबी कहानी तो नहीं ना सुना सकते कि अभी हम बी वन करेंगे पेपर देंगे फिर जाके होगा स्टार्ट तो कर दिया था मैंने तो मैंने ईमेल में ये मैंशन किया था कि मेरा जो है बी वन हो चुका है तो इस वजह से जो है इंटरव्यू की कॉल्स उसमें मैंने काफ़ी जगहों पर अप्लाई किया था ऑलमोस्ट फिफ्टीन प्लस प्लेसिस पे अप्लाई किया था जिनमें से मुझे दो या तीन जगह से जो है इंटरव्यू के कॉल्स तो एप्लीकेशन ऐसा नहीं है एक दो जगह अप्लाई करनी होती है काफी लेंथी प्रोसेस हो जाते हैं और कई दफा लोगों में बड़ा वो भी हो जाता है कि यार मिलेगी नहीं क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है जिस तरह प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है आपको प्रोफाइल अच्छे से देनी होती है इसमें तो मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर मेरे कुकिंग में अप्लाई करना है और मेरा कुकिंग में पास्ट एक्सपीरियंस है एक दो साल का और एक बंदे का नहीं है एक्सपीरियंस तो वो मुझे प्रेफर करेंगे क्योंकि उन्हें शुरू से सिखाना नहीं पड़ेगा मुझे वो चीजें जो कि मुझे पहले आती तो ये काफी ब्लस पॉइंट होता है और आपकी प्रोफाइल और जर्मन लैंग्वेज जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतने चांसेस है कि आप हाउस बिल्डिंग का आप पेशा तो इसमें जो मेन चीज मैटर करेगी हाउस बिल्डिंग की वो एक आपका एक्सपीरियंस और एक आपकी जर्मन लैंग्वेज ही और एक क्या कि आपने कितनी जगहों पे अप्लाई किया और किस तरह से अप्लाई किया आप भी अप्लाई कर रहे थे तो क्या आपको मुश्किल आई थी आपको क्या लगा था कि मिल जाएगी या क्या था ओवरऑल प्रोसेस कैसा बेसिकली मेरी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है मैंने स्टडी में अप्लाई किया था स्टडी में आपको पता है अपॉर्मेट का बहुत मसला है तो क्या आया था अपलाई वगैरह किया हाउस बिल्डिंग में मसा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपॉइंटमेंट ये बहुत से मसले चल रहे हैं आज तो है के जिस तरह हम सबको पता है की बैचुलर्स मास्टर्स के लिए पाकिस्तान से बहुत चल रहे हैं तो अगर आप उन को अवॉइड करना चाहते तो हॉस्पिल्डो बहुत अच्छा पाथ है अभी एक कम्प्यूट सीज आएगी हॉस्टिल्डो के हवाले से आप इस चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा उसमें बताएंगे और एक बहुत अच्छी चीज हॉस्पिल्डो की जो की रिक्वयरमेंट्स में भूल गए आपके मार्क्स से रेलिवेंट है बैचुलर्स और मास्टर्स में अक्सर कम्पिटिशन बहुत हाई रहता है आपको नंबर बहुत अच्छे चाहिए हो रहे हैं लेकिन हॉस्बिल में बेशक आपके नंबर कम भी फोर्टी परसेंट मेरे फिफ्टी परसेंट होते फिफ्टी परसेंट एंड इस वजह से मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ था हाँ तो बैचलर्स का था हाँ uh, बिल्कुल okay. लेकिन हाउस बिल्डिंग के केस में उन्होंने ये इतराज़ नहीं किया कि आपके जो ग्रेड है वो कम है मार्क्स कम है तो इट्स अ वेरी बिग एडवांटेज उन लोगों के लिए जो कि कहते हैं कि यार हमारे ग्रेड कम है तो कुछ नहीं हो सकता अगेन देर इज यू नो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आप देख सकते हैं कि आप लोग बहुत से लोग आते हैं लो ग्रेड ठीक कहते हैं एक और बड़ा है ये भी है एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें हम करते वक्त तरह इन्होंने बताया इनकी दोस्त थे वहाँ पे जो काम कर रहे थे तो रेफरेंस का यहाँ पे बहुत बड़ी के कि अगर आपका इंटरनल रेफरेंस है कंपनीज में तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट हो जाती है और टू पोजिशन से कि ओब्वियसली वो इंटरव्यू कॉल्स तक आपकी बात चली जाती है और फिर आप क्लियर आप नहीं करने होते ये होता है एक दफा इंटरव्यू की कॉल आ जाए तो उम्मीद होती है कि अच्छा हो तो 80 टू 90 परसेंट आपके चार्सेस बोते हैं उसका रब क्योंकि हाउस बिल्डिंग के लिए इस तरह नहीं वो इंटरव्यू कॉल्स करते बहुत प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट करके तो यहाँ अक्सर लोग ये भी पूछ रहे होते थे मुझसे जब मैं उन्हें बताता था कि हाउस बिल्डिंग भी क्यों नहीं कर रहे उसका मेन रीजन ये होता था कि हमारे पास कंपनीज इतनी ज्यादा होती नहीं थी बाय करने की लेकिन अब अलमदुल्ला एक दो साल से हमने उस पर वर्कआउट किया है काफी कंपनीज पैनल में आ गई है तो हम इंटरनल रेफरेंस के थ्रू भी उनमें अपलाई कर सकते हैं ऑब्वियसली चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं काफी स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि वो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें और अगर आप भी उन्हीं में से हैं कि अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आपको रिसर्च में इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना देन अगेन आप हमारी सर्विस ले सकते हो क्योंकि हमें इस प्रोसेस को लेकर बहुत डिटेल में आइडिया जो मसले हो सकता है कि आपको एंड में फेस करने पड़े वो मसले हम आपके पहले ही सॉर्ट आउट कर दें कॉन्टेक्ट करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आपको एक गूगल फॉर्म फिल आउट करना है जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूं और अगर आपको वहां से नहीं मिल रहा तो आप गूगल पे जाकर डब्ल्यू डॉट कॉम पे जाएंगे जो कि मेरी वेबसाइट है और वहाँ पे कॉन्टेक्ट सेक्शन में आपको एक मिल जाएगा तो इसको ठीक sure डालिएगा क्योंकि कई दफा हम कॉन्टेट कर रहे होते हैं बट व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर नहीं होता श्योर करें कि अपना व्हाट्सएप नंबर ही दीजिएगा बस हमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मिल जाए हम उनको अवेल्यूएट करेंगे और पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि आपकी कितनी बन रही है और उस हवाले से आपको गाइड भी किया जाएगा एक चीज मेंशन की रिक्वायरमेंट्स के हवाले

वो आपकी सीबी और आपके एक्सपीरियंस को फोकस करते हैं कि आया ये बंदा हमें कल को फायदा पहुँचा सकता है या नहीं नॉर्मली वो इस चीज को देखते हैं और जो मेन चीज है जर्मनी आने के लिए वो बी वन है वो लैंग्वेज लेवल है उसको देखते हैं। बस ये दो तीन चीजें ये ज़्यादा मैटर करती है अच्छा आपने सबसे पहले तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको हैं इनको जिस भी बोर्ड से आपने कई किया जैसे मैंने लाहौर बोर्ड से अपना मैट्रिक को किया था तो वहां से जाके मैंने वहां पे अटेस्ट हैं ठीक है दूसरा अदारा होता है आई बी सी सी वहां से अटेस्ट करवाने के बाद लास्ट होता है मोफा वहाँ से टेस्ट करवाए थे ये तीनों जो अदारे हैं यहाँ से टेस्ट करवाने के बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो जाते हैं एम्बेसी में लेके जाने के लिए एम्बेसी तो के के से अप्लाई किया था दोनों ने तो आपको कितना ड्यूरेशन लगा था जब मैंने किया था मुझे साढ़े तीन माह लगे थे साढ़े तीन माह में मेरी वीजा अपॉइंटमेंट आई है और मैंने आगे प्रोसेस किया और आपको कितना टाइम लगा था मुझे तो

आपको कितने पैसे आपने टोटल टोटल आपको जर्मनी आने में वीजा प्रोसेस स्टार्ट होने से लेकर जर्मनी आने तक कितना आपका खर्चा है वीजा प्रोसेस में तो लाइक जो एक नॉर्मल खर्चे होते हैं जो कि जनरल होते हैं उनमें लगाने तो मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम भी डेढ़ से दो लाख जिसमें एम्बेसी की फीस है और मेरे मेरे का खर्चा है कॉन्ट्रैक्ट खुद अप्लाई किया था उसका तो कोई खर्चा ही नहीं इंटरनेट का भी नहीं आ सकता क्योंकि वो तो यूज करते रहते हैं आपको पता है जहां पे बंदा स्क्रोलिंग करता है वहां पे बंदा अगर रोज की सो एप्लीकेशन भी दे देना तो कहीं ना कहीं से फिर भी चांस होते हैं अगर बंदा कॉन्सेंट रहता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल फ्री में था तो ये आप समझ लें कि मिनिमम एक्सपेंसिस में मिनिमम एक्सपेंसिस में हम यहाँ पे आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी आ सकते हैं और इसमें यह है कि बाकी जो एक्सपेंसिस होते हैं वो आपको पता है वो पर्सनल होते हैं लाइक like, शॉपिंग हो गया जो अपना एक्सपेंस रखना होता है तो वो इसमें नहीं आ सकते अगेन कई लोग कंसल्टेंसी भी लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के लिए क्योंकि इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस आपको टाइम देना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि आप बस कहें कि मैंने एक दो जगह अप्लाई कर दी है और मेरी बस जॉब लग जाएगी इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस और अपनी प्रोफाइल भी अच्छी तरह प्रिपेयर करनी होती है अपने एक्सपीरियंस अच्छी तरह दिखाने होते हैं अपनी जितनी चीजें हैं उस जॉब से रेलिवेंट वो इंक्लूड करें कि उस आप में आपको किस किस चीज में एक्सपर्टीज है क्योंकि जो लोग आपको हायर कर रहे हैं उसमें उन्होंने आपकी प्रोफाइल देख के आपको हायर करना है ठीक है तो आप अगेन अगर सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है आप उसको फिल कर सकते हैं और आप उसके थ्रू भी आ सकते हैं लेकिन अगेन अगर आपके पास टाइम है और कॉन्फिडेंस है ठीक है क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो अप्लाई उल्टा सीधा कर रहे होते हैं कि उन्हें नहीं पता होता कि किस टाइम पे हमने क्या एप्लीकेशन करनी है और एप्लीकेशन में लिखना क्या है सो तो ये चीजें नहीं सिखाई जाती हैं मैथमेटिक्स क्यों डॉक्टर

वो टेंथ के इक्विलेंट अक्सर काउंट करते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्वेल्थ जो है जो एफ एस सी इनकी है हाई स्कूल वो तेरह साल के बाद मिलती है आ, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अगर ये टेंथ ईयर्स की भी एक बन रही है तो उसका भी यही मतलब है कि आप एलिजिबल हो हॉस्पिटल में अप्लाई तो क्या प्रोसेस है बेसिकली आप अपने इम्प्लॉय को कन्विंस कर सकते हो कि आप अंदर कैपे रीधर करवाएं जैसे मेरे सिम में ऐसा ही हुआ था मेरा दोस्त था तो के तो मैंने बात करके आज का खा लिया और ये क्वेश्चन मैंने अपने कोलिग से भी दिया तो मेरे साथ से करतेम खा रहे हैं उनसे किया था वो भी यही कहते थे कि हम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अभी थोड़ा प्रोसेस चेंज हो रही है अभी हम बाकी साथ हमें यह था कि आप में ओरिजिनल इधर भेज और से यूरो तक का आपको वो पे करना फिर एक और चीज है कि अप्लाई जब करना है तो फिर लोग पूछते हैं कहाँ से अप्लाई करना है। चाहिए इस पर मेरी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो भी है मैंने उसमें बताया भी है कि पोर्टल से आप अप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर आपको भी नजर आ रही है भी देखिएगा बहुत से लोगों ने देखी आप मैंने उसी वीडियो को देखे गाइडलाइन हाजिर नहीं है वीडियो को देखने के बाद में और भी चीजें की होंगी लेकिन वो काफी स्टूडेंट मुझे मिले हैं जो वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे आए तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा उसमें बहुत सी चीजें आपको

डजेंट मैटर के वो जिस भी पोर्टल पे हो आपको जस्ट वो अप्लाई कर देना चाहिए ये नहीं सोचना चाहिए कि जी ये गूगल पे है इनकी वेबसाइट पे है समटाइम्स वेबसाइट पे वैकेंसी होती है समटाइम्स ये वेबसाइट जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है या ये एक जो नॉर्मल जो वेबसाइट्स है उन पे है रिक्वायरमेंट होती है तो वो आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं है। मैंने अपनी कंपनी खोली है तो मुझे हॉस्पिटलों के लिए लोग अब उसमें क्या होता है कि मैं या गवर्नमेंट को बताऊंगा कि यार मुझे बंदे चाहिए या फिर मैं कहता हूँ जो लो मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट पर नहीं पोस्टिंग करनी मैं अपनी वेबसाइट पर लगा देता हूँ अब मैंने अपनी वेबसाइट पे अपनी कंपनी की वेबसाइट पे वो चीज़ पब्लिश कर दी है अब अगर मुझे कंपनी वेबसाइट से कुछ आता है तो उसमें चांसेस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी गवर्नमेंट की हर कोई देख रहा है ठीक है वो ये जो तीन वेबसाइट्स है बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं बहुत हाउस पोजिशन है लेकिन हर कोई इस पर अप्लाई कर रहा है तो अगर आपने थोड़ा और ज्यादा स्पेसिफिक होना है तो आप कंपनीज की लिस्ट बनाए

अपने थर्सडे फ्राइडे को अप्लाई किया तो आपको नेक्स्ट जो वीकेंड के बाद जो वर्किंग डेज है उनमें तो रिप्लाई आ जाता है और इसमें जो रिजेक्शन रेट है वो सेवेंटी परसेंट है स्टूडेंट ये सुन के डिमोटिवेट ना हो क्यूके जाहरी बात है आपको चाहिए और आपको थोड़ी सी मेहनत करके ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि आपको यहाँ पे आने के लिए सिर्फ बी वन और कॉन्ट्रैक्ट चाहिए मजीद ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल इवन हम मेंशन करना बोलिए ब्लॉक अकाउंट भी रिक्वायर्ड है तो सबसे सबसे बड़ा मेन जो एडवांटेज है

जर्मनी में मुझे उस टाइप का नहीं मिलता फिर मैं कहूँगा कि ठीक है वो यूरोप के किसी जो है ना किसी कंट्री में हो यूरोप के कंट्री में हो यूरोप के कंट्री में भी नहीं है तो फिर मैं इन कंट्रीज की तरफ जाऊँगा पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश तो एक चीज तो ये है और उसमें दूसरी चीज़ जो सबसे कॉमन है वो ये होती है कि इनके जो है ना इनको बंदा मिल गया होता है और एड इनका लगा रह जाता है और उस पर आप जब दोबारा अप्लाई करते हैं तो वहाँ से आपको रिजेक्शन मिल जाती है ठीक है ये दो बड़ी वजूहत हैं जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन का रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है आ, आपको मज़ीद से मज़ीद अप्लाई करना है और कोशिश करें कि छोटे टाउन्स में अप्लाई करें जर्मन के किसी आ, कोई छोटी जगह पे अप्लाई करें लाइक बड़े सिटीज़ में जो है ना चांसेस थोड़े कम होते हैं लेकिन वहाँ पे भी हो जाती है छोटे टाउन्स में ये होता है कि बंदा मिलना उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है तो वो वहाँ पे आपकी प्लेस इजीली बन सकती है तो अच्छी आपने टिप्स दी हूँ स्पेशली अगर आपने रिजेक्शन रेशो को अपने कम रखना है एक्सेप्टेंस रेशो बाहर रखना है तो ये बहुत अच्छी टिप्स है माय में आपने कम से करने। आ, लेकिन ये कि दिस इज समथिंग जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी चीज होती है और थोड़ी एफर्ट्स भी आपको लगानी पड़ेगी ऐसा नहीं होगा कि बस एक जो जगह पे आपने अप्लाई की और आप एड जाए की चलो कि मुझे बुला लेंगे मेहनत वाला काम है और बाद में आप देख सकते हैं हम नेक्स्ट पॉडकास्ट पे ये पूछेंगे कि एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है आपका उस के वाले से तो उस मेहनत का अजर आपको बहुत बेहतर ठीक है तो ये आज का हमारा टॉपिक था इंशाल्लाह अगले टॉपिक्स में हम बात ये भी करेंगे कि हाउस बिल्डिंग में कितनी अर्निंग्स होती हैं वीजा की क्या रिक्वायरमेंट है हाउस बिल्डिंग्स के और साथ ही साथ हम उन चीजों के हवाले से भी डिस्कस करेंगे जो लोग यहाँ पर आ जाते हैं हाउस बिल्डो के लिए उनका एक्सपीरियंस कैसा जाता है उन बर्थ इट है भी कि नहीं है कम्पलीट एक सीरीज बनने लगी है तो अगर आपने नहीं फॉलो किया ये चैनल तो लाजमी फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा अभी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हम डिस्कस करने लगे मान भाई से भी और सलमान भाई से भी तो कहीं मत जाइएगा अगेन नेक्स्ट वीक तक होपफुली अभी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी या पहले भी हो जाएगी बट मेरी कोशिश यही होगी कि इस सीरीज को देख के आपके जहन में हाउस बिल्डिंग्स के हवाले से जितनी भी कन्फ्यूजन है वो खत्म हो जाए और अगर कोई रह भी जाती है तो आप कमेंट करें नीचे इनशाला आपके कमेंट्स का रिस्पॉन्स किया जाएगा मुझे जब टाइम मिला मैं रिप्लाई करूंगा और बाकी आप भी इसी तरह फिर हाउस बिल्डिंग के लिए आए और ये मुझसे पूछ रहे थे आने से पहले आपको कितना टाइम हो गया तो मैं, मैं तुम तो नौ साल इधर उधर ही फिर रहा तो ये माशाल्लाह अभी आए हैं तो इनकी एनर्जी देख के ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और ये फ्रैंकफर्ट में भी पहली दफ़ा आए हैं हैं और आती कहते क्या गंदा है।, ये ये है।, आ, ये है और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब हम पाकिस्तान में थे और जो प्रोसेस है इसको स्टार्ट करने का सोच रहे थे इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत कम थी लेकिन मुनीब भाई की मैंने एक दो वीडियोज देखी थी तो वो वीडियोज देखने के बाद वहां से इन्फॉर्मेशन गेन करके

अपने आप को हमेशा प्रिविलेज इसलिए कंसीडर करता हूँ कि मुझे इतनी चीज़ें अलहमदिल्ला एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है और वही एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूं और वो अगर किसी का काम आता है तो मुझे like, मकसद पूरा हो रहा है इस को तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी बहुत दूर से आए और थैंक यू सो मच ले आपका भी और ले आपका भी कुछ अगर कहना चाहेंगे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अप्लाई करते रहें कहीं ना कहीं से आपको जो है आंसर आ जाएगा कोई ना कोई आपको एक्सेप्ट कर लेगा तो जिस भी स्टूडेंट को हेल्प चाहिए तो वो मुझे कॉन्टेट कर के इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे मेंशन कर दूंगा दुआ में याद रखिएगा अगली सीरीज की आ रही लाज भी है लाजी फॉलो कर लेंगे बहुत सी इनफॉर्मेटिव बातें हम दोस्तों की